Afternoon class. Today we are going to discuss conservation of momentum. As we have discussed, what is the momentum? Momentum is equals to mass into velocity. Or momentum. Every moving body is always possesses momentum. It is equals to the product of its mass and its velocity. ये हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट और कंजर्व्ड, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट. क्या कह रहा है कि टू और मोर बॉडीज, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में एक्ट करती हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड. क्या मतलब है? एग्जांपल से समझते हैं कि लेट देयर आर टू बॉडीज, ए ट्रक एंड ए कार. हमने मोमेंटम क्या पढ़ा था? क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो जैसे हमारे पास एक ट्रक है, एक कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2. मास m1 ट्रक का, ये ट्रक है बड़ा वाला, छोटी वाली कार है. m2 इज द मास ऑफ कार. हमने लिखा है लेट मास ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू m1, मास ऑफ कार इज इक्वल्स टू m2. तो कोई भी दो बॉडीज हैं, हमने कार ट्रक का एग्जांपल लिया है, हम इसको प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को. तो हमने एग्जांपल लिया है कार और ट्रक का, हम कोई भी दो बॉडीज ले सकते हैं जिसका मास m1 होगा, वेलोसिटी u1 होगी. सेकंड वन का मास m2, वेलोसिटी u2. तो दोनों ही, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आफ्टर सम टाइम इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, इसे बोलते हैं कोलिजन. बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले का है ये. यहाँ पर टक्कर हुई और ये टक्कर के बाद की. टक्कर के बाद ट्रक की स्पीड कुछ और होगी, कार की स्पीड कुछ और होगी. क्या पता ट्रक ने ज़्यादा ज़ोर से धक्का मार दिया और कार पहले स्लो चल रही हो, अब कार फास्ट हो जाए, ट्रक थोड़ा स्लो हो जाए, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, जिसको हमने नाम दे दिया. ट्रक की वेलोसिटी होगी v1, कार की वेलोसिटी हो गई v2. ये है आफ्टर कोलिजन. कोलिजन का मतलब है टक्कर. बिफोर कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन हुआ, और ये आफ्टर कोलिजन. ये कोलिजन से, ये टक्कर से पहले की, ये टक्कर की, और ये टक्कर के बाद की. तो वेलोसिटी में कहाँ, मास तो चेंज नहीं होएगा, जितना ट्रक का मास था उतना ही ट्रक का मास बाद में रहेगा. बिफोर कोलिजन भी, आफ्टर कोलिजन भी, लेकिन जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो कार और ट्रक दोनों की चेंज हो जाएगी. पहले कार और ट्रक की u1 u2 थी, अब v1 v2 हमने मान लिए. तो हमें क्या बताना था कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जितना मोमेंटम. तो अब देखो, जैसे ट्रक था, इसका मास m1, वेलोसिटी u1, बिफोर कोलिजन बात कर रहे हैं. इसका अपना एक मोमेंटम होगा, कार का अपना एक मोमेंटम होगा. आफ्टर कोलिजन, इसकी स्पीड धीरे हो गई, मतलब ट्रक का मोमेंटम थोड़ा कम हो गया और कार का मोमेंटम ज़्यादा हो गया, स्पीड इसकी बढ़ गई, ये आगे चली गई. लेकिन हमें क्या कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या पढ़ना है? टोटल मोमेंटम, कि इन दोनों का, पहले यहाँ क्या था, कार ट्रक का ज़्यादा था, कार का कम था, कार की स्पीड धीरे थी. अब यहाँ क्या हो गया, कार की, ट्रक की स्पीड धीरे हो गई, तो ट्रक का मोमेंटम कम हो गया, लेकिन कार का मोमेंटम बढ़ गया. तो जितना ट्रक का मोमेंटम कम हुआ है ना, उतना ही कार का मोमेंटम बढ़ा है, तभी आपस में इक्वल होंगे. हमें वही प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा. तो अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें इस सिस्टम की, तो क्या हो जाएगा? ट्रक का मोमेंटम, देखिए लिखा है वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर कोलिजन u2, यही लिखा हुआ है. सेम टू सेम, वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन u1, वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन v2, वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन v1.
अब हमने क्या है टोटल मोमेंटम फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंटम कार का मोमेंटम प्लस ट्रक का मोमेंटम। ट्रक का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इसका एम वन और वेलोसिटी यू वन, इसका मास इसकी देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमें निकालना है। बिफोर कोलिजन कार का और ट्रक का ऐड करना है, तो ट्रक का क्या हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी एम वन इनटू यू वन, एम वन इनटू यू वन लिख दिया। अब निकालेंगे हम कार का, कार क्या हो जाएगा एम टू इनटू यू टू, तो ये हो जाएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। ठीक है, ये हमारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सेकेंड में क्या हो गया, मास तो सेम है, वेलोसिटी वी वन हो जाएगी वी टू हो जाएगी, तो हमने लिख दिया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कहता है कि मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, लेकिन वैल्यू ऑफ यू वन वी वन यू टू वी टू चेंज हो चुकी है। हमें यही प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट टोटल मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट, कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। हमें प्रूफ करना है, ड्राइव करना है आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, पहला फोर्स, यहाँ तो कोई फोर्स नहीं था आपस में, दोनों कार चल रही थी, इसकी वेलोसिटी यू वन थी, इसकी यू टू थी। जब यू टू यू वन से कम रही होगी जबी कार ने टक्कर मारी होगी, अगर ये तेज चल रही होती है तो कार टक्कर, ये ट्रक टक्कर मार ही नहीं पाता कार को। तो यहाँ क्या है, जब कार ने टक्कर मारी, सॉरी ट्रक ने टक्कर मारी, ट्रक ने एक फोर्स अप्लाई किया कार्स के ऊपर जिससे कार की स्पीड तेज हो गई। ठीक है, अब कार की वजह से भी तो, अब कार की वजह से इसकी स्पीड थोड़ी धीरे हुई होगी ट्रक की, तो मतलब कार ने भी एक फोर्स अप्लाई किया। तो हमने लिख लिया है कि ड्यूरिंग कोलिजन द ट्रक एग्जर्ट्स ए फोर एफ वन और कार, कि कार के ऊपर जो फोर्स लगा ट्रक की वजह से वो एफ वन है, और जो ट्रक के ऊपर फोर्स लगा कार की वजह से वो एफ टू है। तो अब हमें, अब जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए फोर्स एफ वन लगाया ट्रक ने कार के ऊपर, फोर्स एफ टू लगा ट्रक के ऊपर कार की वजह से, फोर्स तो आपस में इक्वल लगेंगे, जितना इसने इसको फोर्स लगाया उतना इसने इसको फोर्स लगाया, लेकिन अब पूरी डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये ले सकता हूँ एफ वन इज इक्वल्स टू माइनस एफ टू, ये हो सकता है, देख लीजिए आप एक बार। तो इसने जो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में लगाया, इस देश में लगाया, तो यहाँ साइन माइनस का आ गया, वरना फोर्स जो है बराबर होगा एफ वन इज इक्वल्स टू एफ टू। अब हमें एफ वन और एफ टू की वैल्यू फाइंड करनी है कि किसने कितना फोर्स लगाया आपस में एक दूसरे के ऊपर, उन दोनों को हमें इक्वल रखना है माइनस के साइन के साथ। अब हम यहाँ पर एफ वन और एफ टू निकालते हैं। ये देखिए हमें लिखा है लेट एफ वन फोर्स अप्लाइड ऑन कार फॉर टाइम टी। अब जैसे इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो रहा होगा जिस टाइम जितना इसने, जैसे कि कोलिजन का कोई वन सेकेंड की, एक सेकेंड के लिए कार बिड़ी होगी ट्रक से, या फिर ट्रक बिड़ा होगा कार से, या फिर एक सेकेंड भी नहीं लगी होगी अगर स्पीड में होगा तो जल्दी से धक्का मार दिया वो कार को, तो कुछ तो टाइम पीरियड रहा होगा जब कार और ट्रक आपस में बिड़े होंगे, तो वो हमने टाइम मान लिया टी, कि टी टाइम के लिए ट्रक ने फोर्स लगाया कार के ऊपर एफ वन, और टी टाइम के लिए ही फोर्स लगाया कार ने ट्रक के ऊपर एफ वन और एफ टू हमने पहले मान लिया था। तो क्या किया, एफ वन फोर्स लगाया कार के ऊपर ट्रक ने, तो कार की वेलोसिटी वी टू से यू टू थी पहले, यू टू से वी टू हो गई, कार की वेलोसिटी चेंज हुई फोर्स लगने के बाद, तो कितनी चेंज हुई, पहले यू टू थी बाद में वी टू हो गई। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल वी टू माइनस यू टू, कितना टाइम पीरियड के लिए, टी टाइम पीरियड के लिए। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया कार का, अब हम फाइंड करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कार का मास क्या होता है एम टू, बताया था पीछे कार का मास हमने क्या माना था एम टू, एक्सेलरेशन कार क्या है वी टू माइनस यू टू डिवाइड बाई टी, और हमने एफ वन माना था इसको एफ वन फोर्स। तो एफ वन फोर्स की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, एम टू
मल्टीप्लाई वी टू माइनस यू टू डिवाइड बाई टी। ऐसे ही फोर्स एफ टू अप्लाइड हुआ होगा ट्रक के ऊपर सेम टाइम पीरियड के लिए टी के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक चेंजेस फ्रॉम यू टू वी यू वन टू वी वन, पहले यू वन थी और फोर्स लगने के बाद वी वन हो गई। तो फाइनल माइनस इनिशियल इसका भी हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक वी वन माइनस यू वन डिवाइड बाई टी, हमने सेम फोर्स निकाल लिया, ट्रक का मास एम वन, ट्रक का एक्सेलरेशन ये, हमने एफ वन और एफ टू को आपस में रख दिया माइनस का साइन लगा कर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, टी और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा एम टू वी टू माइनस में एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन यू वन माइनस के एम वन वी वन। यू वन वाली टर्म को इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा एम टू वी टू प्लस में एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम वन यू वन प्लस में एम टू यू टू। यही है जो हमें प्रूफ करना था। फर्स्ट यू हैव टू प्रूफ एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमने प्रूफ कर लिया है। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल सैंपल प्रॉब्लम भी हमने एप्लीकेशंस हैं, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के ऊपर ही चलते हैं। इनका जो प्रिंसिपल होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही होता है। हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाली नहीं, जैसे देखिए ये है, अभी जो हमने एग्जांपल ही पढ़ा, अभी कार का मास है 1500 केजी, ए कार का, ए वाली का, बी वाली का 1000 केजी, इसकी जो स्पीड है इनिशियल 25 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल 15 मीटर पर सेकंड, जब कोलिजन हुआ आपस में तो इसकी होगी 20 मीटर पर सेकंड, तो हमें इसकी निकालनी है। मतलब हमारे पास U1 U2 गिवन है, V1 गिवन है, V2 फाइंड करना है, M1 M2 भी है, सिंपल। इसने सोल्व कर रखा है पूरा वही प्रूफ कि पहले हमने इसका मोमेंटम निकाला, वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, आपके पास M1 है, M2 है, U1 है, U2 है, V1 है, आप V2 फाइंड कर लेंगे और आपका जो V निकल जाएगा वो आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक पढ़ लेना, इसकी सैंपल प्रॉब्लम देख लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वैसे हमारा, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जिस्ट जैसे ये है ये वाले ऐसे क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।